एससी जो है वो अब आगे बढ़ रही है, जहां अभी हम 42-43 पर देख रहे थे, आप सीधे 53 यानी कि जो हरियाणा में कांग्रेस का जो लीड है उससे भी ज्यादा लीड वहां पर एनसी कांग्रेस के अलायंस को दिखता नजर आ रहा है। है एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की प्रेडिक्शन हम लोगों ने पहले भी की है, जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, जो प्री पोल अलायंस है, वो सरकार बनाएगा, वो आराम से उनके पास वो नंबर आ जाएंगे। बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी कि इस बार वो उनका जो परफॉर्मेंस है पिछली बार से अच्छा रहेगा, जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, लिए जिसकी आइडियोलॉजी वैसी हो, जो जो वो चाहता हो, वो सब वेलकम। क्या लग रहा है कितना नंबर होगा, अगर आपका इंटरनल कोई सर्वे हो आप कोट कर पाए एएनआई पर, कितना नंबर हो सकता है? देखिए नंबर तो अभी आ ही रहे हैं, आप एक आध घंटा इंतजार कीजिए सर्वे की नंबर बात आप नहीं कोट कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो नंबर कोट कर रहे हैं कि हम बहुमत बना रहे हैं, 46 पार जा रहे हैं। उन्होंने तो 400 पार भी कहा था, कहां गया वो 400 पार? तो वो जुमलेबाजों की पार्टी है, उनको जुमलेबाजी करने दीजिए, हम जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो आपके सामने आएंगे, खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एएनआई, धन्यवाद, थैंक यू। बीजेपी आगे बढ़ रही है थोड़ी लीड पे, ऐसा दिख रहा है, देखिए हरियाणा में फिगर आगे बढ़ा है, कांग्रेस 50 नीचे आ गई। ये बहुत बार बार ये हम कहेंगे कि अभी ये रुझान है और इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि 17 राउंड की काउंटिंग होनी है, इसमें डिपेंड करता है कि विधानसभा क्षेत्र के कौन से बूथ से, कौन से इलाके से, कौन से गांव से, कौन से शहर से अभी काउंटिंग हो रही है, उसका बहुत असर पड़ता है, बहुत छोटा चुनाव होता है विधानसभा का, तो पल पल ये आंकड़ा बदलेगा। फिलहाल यहां पे 90 विधानसभा सीटें, जहां हरियाणा में 30 पर बीजेपी लीड करते हुए, रुझानों में 49 पर कांग्रेस थोड़ा पीछे आई है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सोढ़ी लगातार हमारे साथ बने हुए। तेजेंद्र जी, जम्मू कश्मीर की राजनीति क्या कह रही, रुझान तो कुछ और है, हम त्रिशंकु हंग असेंबली की बातें कर रहे थे और लग रहा था कि बीजेपी निर्दलियों को साधेगी, सहयोग लेगी, लेकिन फिलहाल जो रुझान है वहां तस्वीर कुछ और है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी जो रुझान है, जब ये अगर यही नंबर आ जाते हैं, फाइनल टैली जो है वो बन के यही आती है, तो फिर बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी को इस बार अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। पिछली बार बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके वो जो नॉर्थ और साउथ का अलायंस हुआ था, वो इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये लग रहा है कि पीडीपी तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो पिछली बार 2014 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 28 सीटें थी पीडीपी के पास, अभी 3 या 5 में सिमट के रह चुकी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अभी जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, जो हम रुझान दिखा रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मिला हुआ नंबर है। क्या इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो पुराने उनके रिकॉर्ड हैं वो तोड़ के सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आती है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, वो देखना बाकी है। एक और तब्दीली आंकड़े में दिख रही है, पीडीपी देखिए घट रही है, पीडीपी 5 तक गई थी, अब 3 पर आ गई है, जबकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन जो वो बढ़ रहा है। देखिए विशाल, मैं यही बात सुबह से कह रहा हूं कि पीडीपी के लिए हालात जो थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, क्योंकि जब से पीडीपी की सरकार गिरी थी, जब से बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन ले लिया था, पीडीपी में बहुत सारे फूट आ गए थे, बहुत सारे उनमें से जो बड़े कद्दावर नेता थे वो पार्टी छोड़ के, कई उन्हें तो अपनी पार्टियां बना ली, एक पार्टी का नाम ही अपनी पार्टी है, अल्ताफ बुखारी जो पीडीपी के बहुत ही कद्दावर नेता थे, पीडीपी के जितने भी सीनियर लीडर थे वो छोड़ के पीडीपी को जा चुके हैं। विशाल, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राखी बख्शी जुड़ी हुई है, राखी जी से जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो ट्रेंड आया है, जिसमें इंडिया गठबंधन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, उसको 55 सीटें दिखती हुई मिलती हुई दिख रही हैं, और बीजेपी के पास 22 सीटें लग रहा है, 25 जो पिछली बार 2014 में बीजेपी ने जीती थी उससे भी 3 कम, तो क्या किस तरह इसे आप देख रही हैं? तेजिंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि वहां रीजन में भी जाने का मौका मिला और देखने का मौका मिला, लास्ट में फेजेस में हमने देखा कि एग्रेसिव कैंपेनिंग बहुत हुई बीजेपी की, मुझे लगता है कि करीब 600 से ज्यादा जो बताया जा रहा है कि लीडर्स उन्होंने रैली की, जो विकास के काम है उसकी सारी बातें गिनाई। राखी जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, पूरा जवाब लेंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है, जहां से हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज, बहुत गहमा गहमी है और झमघट है समर्थकों का, तो नजर आ रहा है कि अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वन मैन आर्मी शो देखा हमने, टिकट बंटवारा हो, चुनाव प्रचार हो, अकेले पार्टी को आगे लेके जा रहे थे, जरा समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए। और क्या अपडेट है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से रूबरू होंगे, क्योंकि रुझानों में तो सरकार बन गई है? धन्यवाद, और एमपी साहब खोज लिए तुमने तो बैंक के हॉल में भाई। नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल नीरज, आप पूर्व मुख्यमंत्री